आज मैं आपके लिए अंगूरी रसमलाई की सबसे आसान रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे अगर आपने पहली बार में ट्राई किया तो भी पूरी तरीके से परफेक्ट बनेगा। ज्यादातर हम सोचते हैं कि छेना किसी तरीके से कड़ा हो जाता है या फिर चाशनी में फट जाता है, ऐसी कोई शिकायत बिल्कुल भी नहीं आएगी। जो ये रसमलाई बनने वाली है ना, बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी बनेगी, जिसे आप किसी भी त्यौहार पे बनाइए और घर की मिठाई की बात ही अलग होती है। हमें बहुत सारे टिप्स को फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है रसगुल्ला या रसमलाई बनाना बच्चों का खेल है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए इस मज़ेदार और जूसी रसमलाई की रेसिपी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे रसमलाई के लिए रबड़ी। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर के जितना फुल फैट दूध का इस्तेमाल किया है। जब भी आप रबड़ी या फिर खीर बनाइए तो इसके लिए फुल फैट दूध का इस्तेमाल करिए। इससे क्या होगा कि जल्दी से गाढ़ा होगा तो जल्दी से क्रीमी हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो नॉर्मल दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे लो फ्लेम पर पकने देना है। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे क्योंकि साइड बाई साइड हमें और भी तैयारियाँ करनी है। तो इसे हम लो फ्लेम पे पकने देंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 लीटर टोन मिल्क। अब आपको ध्यान क्या देना है कि आपको गाय के दूध का इस्तेमाल करना है, भैंस के दूध का या फिर फुल फैट दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप गाढ़े दूध का इस्तेमाल करके छेना बनाएंगे तो वो बहुत ही भारी और बहुत ही चीनी हो जाएगा, तो आप गाय के दूध का इस्तेमाल करिए। एक उबाल आने के बाद फ्लेम ऑफ कर देना है। दूध को ठंडा होने का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम ले लेंगे यहाँ पे विनेगर। नींबू के रस का इस्तेमाल आप बिल्कुल मत करिएगा। 1 बड़ा चम्मच आप विनेगर ले लीजिए और इस तरीके से दूध में डालिए और लगातार चलाते रहिए। इसे तब तक चलाना है जब तक ये दूध हरे रंग के पानी में ना कन्वर्ट हो जाए और इसमें से अच्छा सा छेना ना निकल जाए। ये देखिए दूध हल्का हल्का सा क्रैक होना शुरू हुआ है। अब मैं इसे लगातार चला रही हूँ। बस 2 से 3 मिनट के बाद ये छेना अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। ये देखिए हल्का सा ग्रीनिश वाला जो पानी है ना, वो अलग हो गया है और छेना भी हमारा अच्छे तरीके से निकल गया है। पहला स्टेप है कि गाय के दूध का इस्तेमाल करना है। दूसरा स्टेप है कि इसे हमें बहुत ज्यादा देर गर्म जो पानी है ना उसमें नहीं रखना है। तुरंत ही इसे हमें छान लेना है और इसे ठंडे पानी से वॉश कर देना है ताकि जो भी कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। तो इस तरीके का आप स्ट्रेनर ले लीजिए और इसमें आप डाल दीजिए छेना और फटाफट से सिंक के नीचे 2-3 पानी अच्छे से धो दीजिए। इससे जो विनेगर का टेस्ट है इसमें से वो निकल जाएगा। और क्या करना है, जो ये पानी बचा हुआ है ना, ये बहुत ही हेल्दी होता है, इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। इसे आप आटा गूंथने में या फिर सब्जी की ग्रेवी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि छेने में अच्छी तरीके से पानी डाल के इसे धो देंगे और आप चाहे तो स्ट्रेनर में ही इस तरीके से रख सकते हैं ताकि सारा पानी निकल जाए, या फिर किसी कपड़े में बांध के रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि एक सूती वाला कपड़ा ले लेती हूँ और इसमें हम इस तरीके से निचोड़ लेंगे। अब देखिए तीसरी बात यहाँ पे ये ध्यान देनी है कि जब आप इसे गाड़ रहे हैं ना, तो जब तक लगातार पानी गिर रहा है ना, तब तक आप इसे अच्छी तरीके से निचोड़िए। जब ये पानी टप टप करके टैप टैप करके गिरेगी ना इस तरीके से, बस यहाँ पे आपको इसे स्क्वीज करना बंद करना है क्योंकि हम इसे बहुत ज्यादा कर देंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं दूध की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। साइड को अच्छी तरीके से स्क्रैच करेंगे और बीच बीच में इसे भी हम चेक करते रहेंगे। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम डाल देंगे थोड़ा फ्लेवर के लिए केसर के धागे। इससे कलर और फ्लेवर दोनों बहुत बढ़िया आएगा। अगर आपके पास केसर के धागे नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फूड कलर डाल सकते हैं क्योंकि रसमलाई बना रहे हैं तो उसमें कलर बहुत ज़रूरी होता है। और अब हम ले लेंगे एक छोटी कटोरी में चीनी, लगभग 5 से 6 चम्मच के जितना ये चीनी है। बहुत ज़्यादा मीठी रसमलाई अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी डाल सकते हैं। और यहाँ पे इसे 2-3 मिनट के लिए लगातार चला लीजिए, साइड को अच्छे से स्क्रैच करिए और यहाँ पे थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देंगे जिससे टेस्ट और बढ़िया हो जाएगा। मैं यहाँ पे किसी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, केसर के धागे का ही बहुत प्यारा सा कलर आ जाता है। अब आती है बारी तीसरे स्टेप की, तो अब हम बनाएंगे चीनी वाली चाशनी। चाशनी नहीं, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, एक छोटी कटोरी में आपको चीनी लेना है और 1 से 1.5 लीटर के जितना आप इसमें पानी डाल दीजिए। चीनी को बस हमें क्या करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे डिसॉल्व करना है, कोई 1-2 बार की चाशनी नहीं बनानी है। इसमें हमें जो है ना वो छेने के जो बॉल्स बनाएंगे उसे पकाना है, इसलिए यहाँ पे हमने पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया है। इसे हम पकने देते हैं, तब तक चेक कर लेते हैं अपनी रबड़ी को। तो रबड़ी यहाँ पे हमारी बनके तैयार हो गई है और बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। जो मार्केट में हम लेते हैं रसमलाई वैसा सा कलर आया है, जबकि हमने इसमें कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। इसे हमें पतला ही रखना है क्योंकि जो बॉल्स पका के हम इसमें डालना है वो अच्छी तरीके से जूसी हो सके, इसके लिए इसे हमें पतला ही रखना है। इससे ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल मत करिएगा, ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। बस यहाँ पे फ्लेम ऑफ करके इसे एक साइड रख दीजिए।
और यहाँ पे अब हम छेना चेक कर लेते हैं, पानी सारा अच्छी तरीके से निकल गया है, बहुत ड्राई, हमें यहाँ पे छेना को बिल्कुल भी नहीं करना है। हाथों से पहले इस तरीके से क्रम्बल कर लेना है और उसके बाद हथेलियों की सहायता से इसे हमें अच्छी तरीके से मसलना है। मसलने की कोई टाइमिंग नहीं है कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इसे आप तब तक मसलिए जब तक कि अच्छी तरीके से क्रीमी सा टेक्सचर नहीं आ जाता। अगर आप इसे ज़्यादा लिक्विडी रखेंगे तो पूरी थाली में ये फैल जाएगा और हाथ में भी बहुत ही चिपचिपा सा हो जाएगा, और इसे ज़्यादा सुखा देंगे तो आपके जो छेने के बॉल्स बनेंगे ना, वो सूखे सूखे से बहुत कड़क से बनेंगे। तो यहाँ पे आपको छेना बनाते वक्त ही ध्यान रखना है कि ना बहुत पतला हो और ना ही ये बहुत ज़्यादा सूखा हो जाए। आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे लगभग 5 मिनट के लिए मसला है और ये अच्छे से क्रीमी टेक्सचर में आ गया है। इससे ज़्यादा हम इसे बिल्कुल भी नहीं फेटेंगे, बस यहाँ पे इसे हमने समेट लिया, इकट्ठा कर लिया और अब हम इसके बनाएंगे छोटे छोटे से बॉल्स। रसगुल्ला बनाने का ही ये मेथड होता है। अगर आप रसमलाई नहीं बनाना चाहते हैं तो जो दूध की रबड़ी बनाई है उसे स्किप कर दीजिए, और ये यहाँ पे मैंने छोटी क्वांटिटी ली है, आप इसकी थोड़ी सी बड़ी साइज़ की बना लीजिए बॉल्स, जिससे कि ये रसगुल्ला बन जाएगा। और जब ये पानी में पहले हम इसे पकाएंगे, उसके बाद जब दूध वाली रबड़ी में डालेंगे तो इसका साइज़ और डबल हो जाएगा। तो इसी तरीके से बाकी सारे रसगुल्ले के हम बॉल्स बना लेंगे। यहाँ पे मैं अंगूरी रसमलाई बना रही हूँ, इसलिए बॉल की साइज़ को मैंने छोटा रखा है। आप चाहे तो जो रसमलाई बनाते हैं वैसे बनाने के लिए थोड़े से इसे बड़े साइज़ के लीजिए और हाथों में फ्लैट कर लीजिए, चपटा कर लीजिए, तो वो रसमलाई बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारे बॉल्स बना लिए हैं। 1 लीटर दूध में कम से कम आप 40 के जितने बॉल्स बना के तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो चीनी है वो डिज़ोल्व हो गई है, सबसे पहले क्या करना है, फ्लेम को यहाँ पे हाई कर देना है और यहाँ पे जो पानी है ना उसमें अच्छा सा उबाल आना चाहिए, एकदम खौलता हुआ पानी रहेगा। उसमें सबसे पहले आप एक बॉल डालिए, चेक करिए 1 मिनट के लिए कि कहीं बॉल ये फट तो नहीं रहा है। अगर नहीं फटा तो बारी बारी से सारे बॉल्स आप डाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से तैर रहा है पानी में, फट बिल्कुल नहीं रहा है। तो अब इसी तरीके से हम सारे बॉल्स को यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे फ्लेम को आपको हाई रखना है, लो या फिर लो टू मीडियम या फिर मीडियम बिल्कुल मत रखिएगा, फ्लेम यहाँ पे हाई रहनी चाहिए। और 5 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे। और यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे सरफेस पे ये जो बॉल्स है ना तैर रहे हैं, क्योंकि अभी ये कच्चे हैं। तो इसी तरीके से आपको पकाना है। अब क्या करना है, साइड में हल्का सा इसे चम्मच से घुमा दीजिए, बॉल्स जो है छेने के वो टच नहीं होने चाहिए, आपको हल्की तरीके से बस इसे घुमा देना है। इससे क्या होगा कि जो बॉल्स है ना वो चारों तरफ से अच्छी तरीके से पक जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि हम इसे इसी तरीके से पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हम देख रहे हैं तो ये जो साइज़ में बॉल्स है ना वो बड़े हो गए हैं, पहले थोड़े छोटे थे, ये देखिए पहले इतने छोटे छोटे से बॉल्स थे, अभी ये डबल हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसे ढक के 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। यहाँ पे आपको फ्लेम मीडियम कर देनी है और इसे 10 मिनट के लिए ढक देना है। और 10 मिनट के बाद चेक करते हैं तो जो बॉल्स है ना वो और थोड़े बड़े हो गए हैं और यहाँ पे ये थोड़े से पक भी गए हैं। पकने का साइन मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से पता चले कि जो छेने के बॉल्स हैं वो पक गए हैं। एक यहाँ पे इस तरीके से आप देख लीजिए, अगर अभी आप इसे प्रेस करेंगे तो ये तुरंत ऊपर से उठ के नहीं आएगा, क्योंकि ये गर्म गर्म है ना, तो अभी बिल्कुल भी इसे इस तरीके से दबाने की कोशिश मत करिएगा। और अब हम क्या करेंगे कि फिर इसे खुले में पकाएंगे 5 मिनट के लिए, और टोटल 5 मिनट पकाने के बाद अब जो बॉल्स हैं वो नीचे तले में बैठ रहे हैं। तो जब हमने पहली बार डाला था तो वो ऊपर तैर रहे थे क्योंकि वो कच्चे थे, और अब ये पकने के बाद नीचे तले में बैठ जाएंगे। तो साइन यही है कि हमारे जो रसगुल्ले के बॉल्स हैं ना वो बनके तैयार हो गए। फ्लेम को ऑफ करना है और इसे कर देंगे हम ट्रांसफ़र दूसरे बर्तन में, और इसमें आप डाल दीजिए बर्फ़ का पानी, जिससे कि जल्दी से ठंडा हो जाए, कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। तो हमारा रसगुल्ला तो बनके तैयार हो गया है। और अब हम बनाने वाले हैं यहाँ पे अंगूरी रसमलाई। तो क्या करेंगे कि इस बॉल्स को अच्छी तरीके से स्क्वीज़ कर लेंगे, अच्छे से निचोड़ निचोड़ के सारा पानी निकाल देंगे। उसके बाद आप किसी भी बर्तन में डाल लीजिए। मैं यहाँ पे एकदम हलवाई स्टाइल आपको बता रही हूँ, तो मैंने इस्तेमाल किया है एक ट्रे, और यहाँ पे जो रसमलाई के लिए रबड़ी बनाई थी वो ठंडी हो गई है। अब इस तरीके से हम इस पे डालेंगे और कम से कम आपको 2 घंटे के लिए इसे रखना है, जिससे कि काफ़ी जूसी हो जाए और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होने वाली है। आप मेरी इस तरीके से रसमलाई या फिर रसगुल्ला ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, नो फेल रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ पिस्ता और थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम गार्निशिंग के लिए। साथ ही मैं यहाँ पर फ्रेश रोज़ पेटल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसे कैंची से मैंने छोटा छोटा सा काट लिया, जिससे ये देखने में बहुत बढ़िया लगे। अब हम रखेंगे इसे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से इसमें सारा जूस आ जाए। और आप देख पा रहे होंगे कलर कितना चेंज हो गया है, पहले जो बॉल्स का कलर था वो हल्का सा वाइट था। मैंने टोटल इसे 2 घंटे के लिए रखा, क्योंकि मुझे वीडियो में आपको शो भी करना था, तो यहाँ पर इसका कलर एकदम येलो
ग्लोइश आ गया है। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा व्हाइट दिख रहा था, 2 घंटे के बाद इसका कलर ऐसा है। और अब आप इसे दबा के देखिए, जब आप इसे अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे ना, तो ये ऊपर उठ के आ जाएगा। ये देखिए, है ना, एकदम सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने आपको दी है। छेना बनाते वक्त बस ध्यान रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा देर गर्म पानी में नहीं रखना है और ना ही इसे बहुत ज़्यादा निचोड़ के इसे ड्राई करना है। ज़्यादा ड्राई करने पे क्या होगा कि जो छेना है ना वो कड़ा बनेगा। और उसके बाद इसे हमें चाशनी में अच्छी तरीके से लगभग 20 मिनट तक पका लेना है, 5 मिनट पहले, 5 मिनट ढक के, फिर 5 मिनट बाद में। मैंने पहले ही प्रोसेस सारा बता दिया है और बहुत ही टेस्टी यमी सी ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो कैसी लगी इसे मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।